हेलो गाइस, दिस इज लवन, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GMC रतलाम। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा जो एरिथ्रोपोइसिस था उसका सेकेंड पार्ट। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो इसमें अपन समझ लेते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने बहुत क्लियरली देख लिया व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस का पूरा प्रोसेस समझ लिया। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स रेगुलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मेनली रेगुलेटेड बाय द हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन, है ना। ये सबसे चीफ और की हार्मोन है पूरी एरिथ्रोपोइसिस के लिए। अपन ने पढ़ाई था तो पूरा रेगुलेशन एरिथ्रोपोएटिन पर डिपेंडेंट है। अब एरिथ्रोपोएटिन बनता कहाँ से? तो ये बनता है अपना जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है किडनी के अंदर, जेजी सेल्स जो है, जेजी अपैरेटस जो है, वहां से ये प्रोड्यूस होता है। इसके बाद इसका मैकेनिज्म कैसे है, ये काम कैसे करता है एरिथ्रोपोएटिन? तो देखिए, जब भी बॉडी में हाइपोक्सिया है ना, जब भी बॉडी में हाइपोक्सिया हुआ या यानी कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन या फिर RBC काउंट कम हुआ है। RBC काउंट किस किस केस में कम हो सकता है? देखो, एक तो क्या है, कोई एक्सीडेंटल केस है, उसमें हिमरेज हुआ और ब्लड फ्लो हो गया, ठीक है, तो एक तो उसमें कम हो जाएगा। सेकेंड, हीमोलाइटिक एनीमिया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए RBC के स्ट्रक्चर में कि वो बॉडी खुद से ही उसे तोड़ने लग जाए, तो इन दोनों केस में क्या होगा, RBC कम होगा। साथ ही साथ हाइपोक्सिया, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम रही तो क्या होगा कि जो किडनी है उसके अंदर एक रीनल एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर होता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके एक्टिवेशन की वजह से जो हमारा एरिथ्रोपोएटिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, यानी कि एरिथ्रोपोएटिनोजन, उसको ये एक्टिवेट कर देगा टू एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में जो मौजूद है इसको इसने एक्टिवेट कर दिया है। अब ये जो एरिथ्रोपोएटिन है ये क्या करेगा, हमारा RBC इसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो एक इसका क्लिनिकल है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है पॉलीसाइथीमिया। ये जनरली अपने को क्या है कि जो हायर एल्टीट्यूड्स पर पीपल रहते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है पॉलीसाइथीमिया, मतलब इंक्रीज RBC काउंट। दरअसल होता क्या है कि वहां पर यही हाइपोक्सिया की वजह से जो है जनरली रीनल एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर एक्टिवेट होगा और फर्दर एरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन होता है। इस वजह से वहां के लोगों में जो है RBC जमे बट वही ही मिलते हैं हाई एल्टीट्यूड पर। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं कि अब एरिथ्रोपोएटिन बना तो दिया हमने, रिलीज करवा दिया, काम कैसे करेगा? तो एरिथ्रोपोएटिन जो है ये किस तरीके से प्रमोट करेगा एरिथ्रोपोइसिस को? तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा जो स्टेम सेल्स है, यानी जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स है, ये उनको क्या करेगा, डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा। सेकेंडली, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस बढ़ा देगा। देखो, RBC का प्रोडक्शन तो जरूरी है, साथ ही साथ मेन प्रोडक्शन हीमोग्लोबिन भी है, तो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस भी बढ़ा देगा। किससे? ग्लोबिन पार्ट से। ठीक है, ये याद रखना है अपने को, ग्लोबिन का सिंथेसिस बढ़ाएगा हीम पार्ट का नहीं, क्योंकि हीम क्या है, मेटलिक पार्ट है। फिर मैच्यूरेशन जो है हर स्टेज पर, जैसे जितनी भी स्टेजेस थी अपनी एरिथ्रोपोइसिस की साइकिल के अंदर, उसमें हर स्टेज पर मैच्यूरेशन में ये मदद करता है। और लास्टली, जो रेटिकुलोसाइट निकलता था हमारा बोन मैरो से, उसको रिलीज होने के बाद एक दो जो वीक्स तक है वो थोड़ा सा ट्रैवल करता था बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर भी जो है ये हेल्प करता है, इसको वहां से वो रिलीज करवाने के लिए भी काम करता है एरिथ्रोपोइसिस में। ठीक है, कौन? एरिथ्रोपोइटिन। नाउ कमिंग ऑन टू द फैक्टर्स, ये सब तो चीजें देख ली, अब अपन ये समझते हैं कि एरिथ्रोपोएटिन बॉडी में बढ़ किस किस वजह से सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो ये पूरा मैकेनिज्म है ये दो चीज पर टिका हुआ है, एक तो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, और दूसरा नंबर ऑफ RBC, दोनों ही चीफ चीजें हैं, है ना, हीमोग्लोबिन और RBC। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड नंबर ऑफ RBC, इन दोनों की मदद से क्या है कि एक फीडबैक मैकेनिज्म स्टैब्लिश होता है। अगर इन दोनों का अमाउंट कम हो गया, यानी नंबर ऑफ RBC रिड्यूस हुए या फिर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कम हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स है जो कि एरिथ्रोपोएटिन का लेवल बॉडी में बढ़ा देते हैं, उसमें क्या क्या आता है, एक तो एंड्रोजन्स, जो भी हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं, ये सारे के सारे जो है एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाते हैं। इसी वजह से जो एंड्रोजन्स है, मोर RBC जो है अपने को मेल्स में ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, ACTH और स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि RBC का प्रोडक्शन ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक सब्सटेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं हीमोलाइसेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, हीमोलाइसेट्स। दरअसल होता क्या है ये कि RBC का जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जब उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स उसकी वजह से बच जाते हैं, रेमिनेंट्स बच जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसेट्स। ठीक है, तो ये क्या है, दरअसल क्या सिग्निफाई करते हैं बॉडी के अंदर रह करके कि RBC का डिस्ट्रक्शन हुआ, RBC का नंबर कम हुआ, तो ये वापस फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये एरिथ्रोपोएटिन बढ़ाते हैं। इसके बाद मैं कुछ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग की भी बात करूंगा कि जब भी हम किसी भी पेशेंट को वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग देंगे, तो वो जाकर के उसकी जो किडनी है, एफरेंट आर्टीरियल और इफरेंट आर्टीरियल, उसमें जाकर के क्या है कि वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से किडनी के अंदर इन पर्टिकुलर क्या होगा, हाइपोक्सिया क्रिएट होगा।
और रीनल हाइपोक्सिया की वजह से वापस वही साइकिल चलेगा, फैक्टर रिलीज होगा और वो इनएक्टिव एरिथ्रोपोएटिनोजन को एरिथ्रोपोएटिन में कन्वर्ट कर देगा और इस तरीके से वहां पे एरिथ्रोपोइसिस बढ़ जाएगा। ओके, लास्ट टॉपिक इसके अंदर यह है कि अब बढ़ तो गया, कम कैसे होगा एरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन। तो इसके लिए मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल आपको हमेशा याद रखना है ईस्ट्रोजन। अब आपको और क्लियर हो गया होगा कि वाई देर आर लेस नंबर ऑफ आरबीसीज इन फीमेल्स। ठीक है, ईस्ट्रोजन जो है एक तो ये आपको कम करेगा एरिथ्रोपोइसिस का सिक्रीशन या एरिथ्रोपोएटिन की एक्टिविटी। कैसे? देखिए, पहला तो ये ग्लोबिन का सिंथेसिस ही कम कर देगा, हीमोग्लोबिन बनने ही नहीं दे रहा है तो ग्लोबिन का सिंथेसिस कम कर देगा। साथ ही साथ में ये क्या करेगा कि हाइपोक्सिया की वजह से जो फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा था अपना, जो फैक्टर रिलीज हो रहा था, ये उसकी सेंसिटिविटी को बहुत गिरा देगा। उसकी सेंसिटिविटी गिर गई तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी नहीं हाइपोक्सिया जैसे केसेस में भी। ठीक है, तो इन तरीकों से क्या करता है, ये एरिथ्रोपोएटिन को कम करता है और इनऑल एरिथ्रोपोइसिस को कम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। इस पूरे जो वीडियो है इसके पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन भी आप दबा करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको अपडेट मिल जाए। ऑलराइट, एंड प्लीज शेयर विद द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बैच ऑफ एवरी कॉलेज। ठीक है, आप सब दूर इसे पहुंचाए बिकॉज इट इज द फर्स्ट एवर सीरीज ऑफ फिजियोलॉजी जिसमें आपको इस तरीके के नोट्स और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड हो रहा है। ओके, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू।